सबसे पहले बात पुणे हिट एंड रन केस की। पुणे में 19 तारीख की रात जो कुछ हुआ उससे पहले दिन से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इससे खबर को हमने एक मुहिम की तरह लिया क्योंकि सवाल जिंदगी का है। चौक चौराहों सड़क हाईवे पर आए दिन हादसे होते हैं, रोड रेज की घटनाएं होती हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जाता। पुणे हिट एंड रन केस की एक एक बारीकी पर हम सीधी नजर रखे हुए हैं। कैसे एक अमीर पिता का लड़का एक व्यक्ति को या दो लोगों को पोर्श कार के नीचे कुचल देता है, इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने पहले ही नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल सेंटर भेजा और आज आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता भी गिरफ्त में है। कोर्ट ने 28 मई तक के लिए सुरेंद्र अग्रवाल को भी पुलिस हिरासत में भेजा है। सुरेंद्र अग्रवाल ने ही ड्राइवर को धमकाया था, इसके अलावा उसे घर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने ड्राइवर गंगाराम पर दबाव बनाया और उसका अपहरण करके अपने बंगले में बाकायदा उसे कैद रखा गया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक नाबालिग के पिता और दादा ने अपने ड्राइवर को कैश और गिफ्ट्स का लालच देकर हादसे की जिम्मेदारी देने के लिए उस पर लगातार दबाव डाला। इसकी वजह से ड्राइवर गंगाराम ने यरवदा पुलिस से कहा भी कि 19 मई को घटना के वक्त वो कार चला रहा था। घर से कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए। इस स्टेटमेंट के बाद आरोपी ड्राइवर को अपनी कार से लेकर अपने बंगले मिले गए ये सभी और वहां उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे बंधक बनाया। लेकिन ड्राइवर की पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के बंगले पर छापा मारा और ड्राइवर को बाकायदा बरामद किया गया। तब जाकर मामला खुलकर सामने आया कि कैसे एक अमीर बाप की औलाद ने दो लोगों की जान ले ली, 200 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से पोर्श कार चलाकर दो लोगों को कुचल दिया, उसके बाद उसके दादा की तरफ से ड्राइवर को फंसाने का प्लान रचा गया। इससे पहले नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने कोर्ट को बताया था कि वो हादसे वाले दिन पुणे में मौजूद नहीं थे, किसी पर्सनल काम से दिल्ली गए थे, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी के पिता विशाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज कराई गई। पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने वधावन शहरी में ब्रह्मा सन सिटी में अग्रवाल बंगले की तलाशी ली। पुलिस ने कार्रवाई ड्राइवर गंगाराम की शिकायत के बाद की और आज बाकायदा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई सवालों के जवाब दिए। मसलन नाबालिग आरोपी से जब हादसा हुआ तो पोर्श कार में कितने लोग सवार थे, पब में पार्टी में कौन कौन लोग थे, एक एक सवाल का जवाब कमिश्नर अमितेश ने दिया है। सुनिए। प्राथमिक जो जवाब पुलिस स्टेशन में ड्राइवर ने दिया था वो गाड़ी चला रहा था, इस प्रकार का बयान उसने दिया था, लेकिन उस रात पुलिस स्टेशन ने जो खातिरी की थी उसका उनका निष्कर्ष हुआ था कि ये गाड़ी लहान जुवेनाइल आरोपी चला रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध 304 अ का गुना दाखिल हुआ था। आरोपी ने उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर पे ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद उसका मोबाइल उन्होंने उससे छीना और अपने ताबे में लिया और इसको वहाँ पे कमरे में बंद करके उसको पहले प्रलोभन और उसके बाद दबाव, दमदाटी, इस प्रकार की उसको कंडक्ट की गई। वही क्लब संचालकों को भी जेल भेज दिया गया है। इस केस में यरवदा पुलिस स्टेशन के दो पुलिस अधिकारियों को शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने और कंट्रोल रूम को हादसे की जानकारी नहीं देने की वजह से दो पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया। ये पुलिस अधिकारी घटना वाले स्पॉट पर उसी रात पहुंचे थे मौके पर, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने सही तरीके से सही समय पर कंट्रोल रूम को नहीं दी। वहीं पुणे पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत दो युवकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। इंस्टाग्राम IG चलाने वाले आर्यन और शुभम शिंदे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल आरोपी को जुवेनाइल सेंटर भेजे जाने के बाद एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा था। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि नाबालिग आरोपी ने इस घटना में बेल पर बाहर आने के बाद बाकायदा वीडियो रैप बनाकर लोगों का मजाक उड़ाया है। लेकिन जब जांच की गई, पुलिस ने इसको लेकर तफ्तीश की, तब पता चला कि ये वीडियो नाबालिग आरोपी ने नहीं बल्कि आर्यन नाम के वीडियो क्रिएटर ने पुणे की घटना का जिक्र करते हुए रैप सॉन्ग बनाया और ये वीडियो वायरल कर दिया। कुछ सुनोगे? करके बैठा मैं नशे इन माय पोर्शे, सामने आया कपल मेरे अब वो है नीचे, साउंड सो क्लीशे, सॉरी गाड़ी चढ़ गई आप पे, 17 की उम्र, पैसे खूब मेरे बाप पे, एक दिन मैं मिल गई मुझे बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल, प्लेइंग केरोसिन फॉर्म इन माय स्पोर्ट्स कार, 4 यार मेरे साथ। और इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी की मां ने गुहार लगाई और दावा किया कि वीडियो उनका बेटा नहीं बना रहा था, इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी।
I'm Shivani Agarwal, Vedant's mother. I want to request media that the videos which have been circulated are not of my son. They are all fake videos. My son is in the detention center. Please, please, I request police commissioner to please protect him. Please protect him. Please, please, please. 19 मई की रात को तेज रफ्तार पोर्श कार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसमें जबलपुर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा और उसके दोस्त अनीस की मौत हो गई थी। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श कार को यही नाबालिग लड़का चला रहा था। आरोपी पहले अपने दोस्तों के साथ कोजी पब में गया। रात 12 बजे के बाद ड्रिंक सर्व करना बंद कर दिया गया तो दोस्तों के साथ मैरियट पब के लिए रवाना हो गया। जाने से पहले उसने पब में 69,000 रुपए का बिल दिया, फिर मैरियट पब में भी 21,000 रुपए की शराब पी। नाबालिग बेटी को कार की चाबी देने के जुर्म में बिल्डर विशाल अग्रवाल पुलिस की गिरफ्त में है और तफ्तीश में साफ हुआ है कि अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद विशाल ने पुलिस को न सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की बल्कि वो घर से भाग भी गया था। उसका मोबाइल फोन अभी तक गायब बताया जा रहा है। 19 तारीख की रात 2:30 बजे जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक जघन्य अपराध है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी अपने आप में जघन्य है और ये मामला शायद वहीं दबा भी दिया जाता और शायद आज ये लड़का घर पर बैठकर गूगल पर निबंध लिखने के लिए फॉर्मेट खोज रहा होता। लेकिन सोशल मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई, पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया इस घटने को लेकर सामने आ गया इस हादसे पर और तब जाकर कहानी बदली। पूरा सिस्टम उस सो कॉल्ड बच्चे को बचाने में लगा था, लेकिन जनता ने जब खुद इस घटना में मारे गए अनीस और अश्विनी की लड़ाई लड़ी तब जाकर आज सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं।